हाय गाइस, तो आज हम असरूर की सरप्राइज बर्थडे पार्टी और मुझे बहुत सारी टास्क फिनिश करनी है एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू हाइड एवरीथिंग फ्रॉम हिम एंड अरेंज एवरीथिंग एट द सेम टाइम। तो अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, मेरा अपॉइंटमेंट है, इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग। और पीछे मैं आंटी को टास्क देकर आई हूँ कि सारे बलून्स फुला के आयशा के घर में रख दें, जो कि हमारी बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर पर रहती है। सो गाइस, हमने मसरूर को भेज दिया है आयशा के साथ बाहर किसी काम से, ताकि हम ऊपर से बलून ला के पूरी डेकोरेशन कर सकें। तो हम जा रहे हैं बलून्स लेने के लिए, और क्योंकि उसके घर में कैट्स हैं इसलिए उनसे बचा के इनको बहुत मुश्किल से आंटी ने सारे बलून फुला के यहाँ छुपा के रखे थे, और अब हम ले आए हैं अपने घर में। और ये सब कुछ आंटी की वजह से हो पाया, बिकॉज उन्होंने बलून्स ऑलरेडी रेडी कर दिए थे, जो कि 90% काम होता है, और मुझे अब बस इनको फटाफट से लगाना था। और मुझे सबसे पहले खाना ऑर्डर करना था, जो मैं भूल गई थी, पर थैंकफुली मुझे याद आ गया और अब मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। तो जब तक सारा खाना आता है, हम लोग डेकोरेशन रेडी कर लेते हैं और टेबल रेडी कर लेते हैं। और आयशा मसरूर को लेके मॉल के ये 2-3 घंटे के लिए, ये बोल के कि उसकी फ्रेंड को डिलीवरी हुई है तो उसको हॉस्पिटल मिलने जाना है, तो उसके लिए वो बुके बनवा रही है ताकि मसरूर को शक ना हो। और यहाँ पर हमारी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट डन है, खाना ऑर्डर हो चुका है, टेबल रेडी हो चुकी है, सोना रेडी हो गया डाडा के बर्थडे के लिए, मम्मा भी रेडी हो रही है। और मैंने मसरूर को कॉल करके अपने सामान की लिस्ट दे दी है कि जब तुम लोग मॉल गए हो तो मेरे लिए भी कुछ ये सब सामान ले आना जिसकी मुझे ज़रूरत है, ताकि वो जल्दी से घर वापस ना आए और उनको और टाइम लगे। सो गाइस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, एज यू कैन सी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द फ्रेंड्स एंड देन वी विल कॉल मसरूर। सो ना, शो योरसेल्फ। हैप्पी बर्थडे किसका? दादा। हाँ, बोल दीजिए दादा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। Everything is done and I'm so excited. और गाइज, एक पंगा हो गया, मसूर इतनी जल्दी से शॉपिंग खत्म करके वहाँ से निकल गए, मगर मैंने आयशा को बोला है उनको रोकने के लिए बाहर ही, तो वो यहाँ वहाँ किसी काम से मसरूर को टहला रही है, बट मसरूर इज गेटिंग सो पिस्ड कि पता नहीं मुझे यहाँ वहाँ घुमा रही है अपने काम से, मैं तंग आ रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, बिकॉज ही डजेंट नो कि ये सब वो हम लोग पर्पसली करवा रहे हैं। बस मुझे ये टेंशन है कि मसरूर सारे फ्रेंड्स के आने से पहले ना आ जाए, वरना सारा सरप्राइज ख़राब हो जाएगा। सो फाइनली एवरीवन इज़ हियर। पहले तो हमें ये था कि हम सबके जूते बालकनी में उतार दें ताकि मसरूर को शक ना हो किसी के शूज़ देख के, और सेकंड टेंशन थी कि मसरूर पार्किंग में सबकी गाड़ियाँ देख लेंगे तो गाड़ियाँ कहीं और पार्क करें या क्या करें। एंड फाइनली मसरूर इज़ ऑल्सो हेयर विदाउट नोइंग कि वॉट इज़ हैपनिंग। एंड गाइज, ट्रस्ट में सरप्राइज बर्थडे रखना इज सो डिफिकल्ट। एंड देन देयर वर मोर फ्रेंड्स जिनका मसरूर को नहीं पता था कि वो भी इन्वाइटेड हैं, और सारे गेस्ट के आ जाने के बाद हमने केक कटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 24 का क्या मतलब है, क्या मसरूर की एज 24 है, तो लेट्स सी आप में से कौन गेस कर सकता है। एंड वंस यू हैव किड्स, फिर चाहे किसी का भी बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो, बच्चों ने ही केक काटना है, बच्चों ने ही कैंडल ब्लो करनी है। एंड फिर ये बॉयज़ का शुरू हो गया कि एक दूसरे के फेस पे केक रब करना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मसरूर ने पता नहीं कैसे लगवा लिया, मैं होती तो बिल्कुल भी ना लगाने देती। और सब लोग इतना हैरान हो रहे थे कि 3 दिन बाद मेरी डिलीवरी है और मैं इतना सब कुछ अकेले अरेंज कर पाई। और उसके बाद हमारा फेवरेट गेम डमशराज शुरू हो गया, तो आप लोग भी देखिए और गेस करने की कोशिश करिए, लेट्स सी कि आप लोग कितना अच्छा गेस कर पाते हैं। इंडियन कहाँ से पहुंच गए ये लोग।
मसरूर का टाइम वेस्ट कराने के लिए हमें उसको बाहर रखना था ताकि मैं घर पे ये सब कर सकूं। And I'm so happy that I was able to throw a surprise party for Masroor's birthday. And to make him feel even more special, I had planned a romantic dinner. So original plan to Madina Jumeirah jaane ka tha, but Masroor ke liye ek aur cheez buy karni thi. So isliye hum log Dubai mall chale gaye and Sukul Bahar mein kiya humne hamara birthday dinner. Alright guys, to ye tha aaj ka video. Ab aapse milenge next Saturday. Until then, take care. Bye bye.